प्रसिद्ध पीठ श्री लक्ष्मी नारायण बालाजी मंदिर द्वारा लॉकडाउन के 48वें दिन 2200 भोजन पैकेट जरूरतमंदों को वितरित किए गए। मंदिर समिति के प्रधान सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन में हमारी यही सोच है कि कोई भी जरूरतमंद भूखा ना रहे। भारद्वाज ने बताया कि आज समिति ने 2200 भोजन पैकेट वितरित किए। उन्होंने बताया कि बालाजी मंदिर समिति पिछले 30 वर्षों से जरूरतमंद वे असहाय व्यक्तियों की मदद करती रही है। भारद्वाज ने बताया कि कोरोना महामारी लॉकडाउन का यह तीसरा चरण है, हमें संगठित होकर इस महामारी को हराना है और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। समिति के सदस्य हर मोहल्ले में जाकर यह अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, आपस में 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, मुंह पर मास्क लगाएं। समिति का आप सभी से निवेदन है कि यदि आपकी नजरों में कोई जरूरतमंद है तो उसकी सूचना हमें दें, हम भोजन उनके निवास स्थान पर पहुंचाएंगे। समिति ने भोजन सेवा हेतु संपर्क सूत्र जारी कर रखे हैं। भारद्वाज ने बताया कि आज समिति द्वारा पटेल नगर गांव कालूपुर देवड़ू रोड सुदामा नगर हलवाई हट्टा मोहल्ला कोट फैज बाजार कच्चे क्वार्टर खिजर पार्क बस अड्डा खारी कुआ सुंदर सांवरी बंगाली मार्केट नई महावीर कॉलोनी लाल दरवाजा ओम नगर ज्ञान नगर छोटू राम चौक भीम नगर आदि शामिल है। भारद्वाज ने बताया भोजन वितरण में राजकरण शर्मा विकास खत्री संजीव बत्रा यंकुश राठौर राजू गंभीर मेहरचंद मानिक राजेश भारद्वाज संदीप भारद्वाज हरगोविंद गंभीर जतिन भारद्वाज अमित पहुजा डिम्पी गंभीर संजय डेम्बला रमेश सिंधुजा सचिन सुरेंद्र अरोड़ा विभोर वाधवा राहुल पंडित ओम प्रकाश पुजारी रिंकू खत्रेजा चेतन गंभीर मुकेश भोला नंद छाबड़ा राजेश कालूपुर सतीश कालूपुर नरेंद्र मलिक रामलाल डाबरा नंदलाल रतन ठेकेदार आदि का सहयोग मिल रहा है। मैं सुरेश भारद्वाज प्रधान सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण बालाजी मंदिर पुरानी महावीर कॉलोनी सोनीपत आज लॉकडाउन के 48वें दिन मंदिर समिति की तरफ से जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। 2200 के करीब आज हमने भोजन वितरित किया है और 28 मार्च से आज 14 मई तक हम करीब 92,000 जरूरतमंदों को भोजन वितरित कर चुके हैं। मैं समस्त समिति का समस्त महावीर कॉलोनी वालों का और समस्त सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने इतने संकट की घड़ी में मंदिर समिति का साथ दिया, मैं उनका भी आभारी हूं। आगे जैसा भी कार्यक्रम होगा मंदिर समिति की मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा आगे लॉकडाउन के बारे में हमने क्या करना है। आज तक मंदिर में हम 30 वर्षों से लगातार धार्मिक आयोजन करते रहे हैं, चाहे उसमें विशाल कार्यक्रम हो चाहे कोई भी जरूरतमंदों की हमें कोई भी पूर्ण वो करनी पड़े। हम बालाजी मंदिर के प्रधान होने के नाते समस्त कार्यकारिणी को ये बधाई देता हूँ जो इस संकट की घड़ी में उन्होंने इतने धैर्य से कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर तहलका के लिए सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।